चलिए तो बच्चों लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सब डिविजन पढ़ा दिया था क्यों हम सब डिवाइड करते हैं क्योंकि ढेर सारे ट्रांजेक्शन को रेक्टिफाई करना अगर गलती हो जाए तो प्रैक्टिकली इम्पोसिबल है तो जब घर बहुत बड़ा हो जाता है ढेर सारे लोग उसमें आ जाते हैं तो आपको घर में थोड़ा बंटवारा करना पड़ता है डिविजन करना पड़ता है तो हम ट्रांजेक्शन को दो कैटेगरीज में रिकॉर्ड करते थे वन विच इज कॉल्ड एज जर्नल प्रॉपर एंड अदर विच इज कॉल्ड एज सब्सिडरी बुक्स गुड्स की बाइंग क्रेडिट पे हो रही है तो वे रिकॉर्डेड इन परचेज बुक गुड्स बेची अगर क्रेडिट में तो वे रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक उधार में खरीदे थे आई रिपीट चलन उधार में खरीदे थे और आपने वापस कर दिए कहां पे रिकॉर्ड होगा परचेज रिटर्न बुक उधार में बेचे थे और वापस आ गए कहा रिकॉर्ड होंगे सेल रिटर्न बुक अच्छा सर जो गुड्स कैश में बेचे थे वो कहां जाएंगे फिर कैश बुक जो कैश में खरीदे थे वो कहां जाएंगे कैश बुक खरीदे कैश में और वापस कर दिए अगेन इट विल गो इन कैश बुक बट एज आई टोल्ड ऐसे ट्रांजेक्शन क्लास में आपको नहीं मिलते हैं कैश में बेचे और वापस आ गए अगेन दे विल गो इन कैश बुक बट एज आई टोल्ड ऐसे ट्रांजेक्शन आपको क्लास इलेवेंथ में नहीं मिलते हैं और जो छोटे मोटे रोजमर्रा के कैश के ट्रांजेक्शन होते हैं वो भी कैश बुक में जाएंगे असेट कैश में खरीदी कैश बुक में जाएगी आपने असेट को बेचा पुरानी हो गई थी कैश में तो कैश बुक में जाएगा बिल रिसीवेबल बिल रिबल से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन जाएंगे बिल रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल बुक में बट टेंशन नहीं लेनी है क्योंकि आपके सिलेबस में है ही नहीं आप कहेंगे तो मैं पढ़ा दूंगा ऐसी कोई बात नहीं है काम कहीं आती नहीं है ये सर फाउंडेशन फाइनल तक में कहीं काम नहीं आती है रखा क्यों गया है कुछ क्लास में बच्चों को रखा जाता है ना किसी काम के नहीं होते हैं बट रखा जाता है उनको तो ये उनको समझ लीजिएगा ऐसे तो अगर एकदम बेकार हो बोलिएगा बिल रिसीवेबल बुक हो गया एकदम से बिल्स पेबल बुक हो गया किसी काम के नहीं हो बट पढ़े हुए हो चलिए ये बात समझ में आ गई भाई ये बात समझ में आ गई सबको पक्का कंफर्म yes, चलो yes, तो जर्नल प्रॉपर कैसे बनता है वी हैव ऑलरेडी डन हर वो ट्रांजैक्शन जो सब्सिडरी बुक में नहीं जाता वो कहां जाता है बच्चों जर्नल प्रॉपर में और इसी क्वालिटी मैंने आपको बता दी थी ट्रांजैक्शन आए दिमाग में उसकी जर्नल एंट्री बनाइए अगर एंट्री में परचेज नजर आ जाए सेल नजर आ जाए परचेज रिटर्न नजर आ जाए सेल रिटर्न नजर आ जाए कैश नजर आ जाए बैंक नजर आ जाए लात मार के बाहर कर दीजिए और कहिए जाओ अपने घर में जाओ हमारे यहां मत आओ बाकी जो अनाथ हैं वो कहा आएंगे हमारे घर में आएंगे और हमारे घर का नाम क्या है जर्नल प्रॉपर यहां तक की कहानी समझ में आ गई पक्का चलिए लेट स्टार्ट चिल्ड्रन क्रेडिट और कैश ट्रांजेक्शन ये सब हम पढ़ चुके थे तो इसको फिर से नहीं पढ़ेंगे आज हमारी पढ़ाई स्टार्ट होगी चिल्ड्रन विद वॉट इज कॉल्ड एज प्रिपरेशन ऑफ

कुछ आपने एसेट्स भी कैश में खरीदी करेक्ट कुछ आपने एसेट्स उधार में खरीदी तो सर ये 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 कुछ भी परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा सर कहां रिकॉर्ड होगा पहले ये समझ जाइए ये रिकॉर्ड नहीं होगा कहां रिकॉर्ड होगा सर बता रहा हूं बता रहा हूं भागा नहीं जा रहा असेट अगर कैश में खरीदी गुड्स अगर कैश में खरीदे तो दिस विल अपियर वेयर चिल्ड्रन कैश बुक अगर आपने क्रेडिट में असेट खरीदा है तो इट विल अपर इन जर्नल तो यहाँ पे सर क्या भांगड़ा करेंगे हम नहीं नहीं नहीं। भांगड़ा तो डीजे फ्लोर पे करते हैं ये कोई डीजे फ्लोर है ऐसी चमकी चमकी लाइट नजर आ रही है यहाँ पे? ऐसा कुछ नहीं है ना तो परचेज बुक इज अ बुक विच इज यूज टू रिकॉर्ड ऑल क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स ध्यान से मेरी बात सुनिएगा दो बातें बहुत जरूरी है चल इट ड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वॉट गुड्स और वो भी आपने किस कंडीशन पे खरीदे हो क्रेडिट पे कैश में गुड्स अगर खरीदे तो इट विल अपियर वेयर कैश बुक एसेट कैश में खरीदी तो कहां जाएगी कैश बुक उधार में एसेट खरीदी तो कहां जाएगी जर्न प्रॉपर बट गुड्स अगर आपने उधार में खरीदे हैं तो इट विल अपियर वेयर चल रहे सर और भी कुछ उधार में लिया तो अच्छा बताइए क्या लिया नहीं सर ठीक है समझ गए और उधर में क्या खरीदोगे स्टेशनरी वगैरह खरीद लोगे दे ऑल विल अपीयर इन जर्नल प्रॉपर तो परचेज बुक में अगर आपको रिकॉर्डिंग करनी है तो टू थिंग्स आर सुपर इंपॉर्टेंट फर्स्ट ट्रांजैक्शन मस्ट हैव बीन परफॉर्मड ऑन क्रेडिट और किस चीज से रिलेटेड होना चाहिए बच्चों गुड से तो ये दो पैरामीटर्स अगर प्रूव हो गए तो परचेज बुक कह रहा है आओ चलो तुम हमारे साथी हो समझ में आ गई बात बच्चों पक्का तो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पहली चीज कंफ्यूज करेंगे द बुक विच इज यूज टू रिकॉर्ड क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स इज कॉल्ड एज ऑप्शन ए परचेज बुक ऑप्शन बी कैश बुक ऑप्शन सी जर्नल प्रॉपर ऑप्शन डी सेल्स बुक तो आपका जवाब क्या होगा बुक एमसी क्यू क्या आएगा परचेज बुक इज यूज टू रिकॉर्ड ए बी सी डी तो आंसर क्या होगा आपका डी नहीं तो बन जाएंगे डोंकी समझ में आ गया अब इसमें हिसाब किताब रिकॉर्ड कैसे होता है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको क्या लिखना पड़ेगा Creator का नाम सेकंड, कितनी क्वांटिटी किस प्राइस पे खरीदी थर्ड ट्रेड डिस्काउंट है तो माइनस कर देंगे और अगर जीएसटी कुछ है तो क्या कर देंगे प्लस, कुछ बच्चों के मन में एक भ्रम पैदा हो गया होगा सर कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं करते दिमाग की बत्ती जलाए मेंटोस खाए बगैर ये क्रेडिट ट्रांजैक्शंस के लिए बुक बनाई गई है क्या क्रेडिट ट्रांजैक्शंस में ट्रेड डिस्काउंट के अलावा कैश डिस्काउंट हो सकता है नहीं हो सकता तो अगर ट्रांजैक्शन कैश डिस्काउंट का आ गया तो इट इज विच टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन कहां पे रिकॉर्ड होगा कैश बुक बुक में तो बनाते समय दो बातें बस हमेशा याद रखनी है एज अ स्टूडेंट एज अ बिजनेसमैन विच टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन गुड्स से रिलेटेड होने चाहिए और बाइंग क्रेडिट पे होनी चाहिए क्रेडिट पे तो है बट गुड्स नहीं है सॉरी गुड्स तो है बट क्रेडिट में नहीं है सॉरी दोनों चीजें मैच करनी चाहिए इज दैट अंडरस्टूड कोई क्वेरी चल रही तो प्लीज आज इस डेटा को अपडेट कर लें फॉर्मेट आपको नजर आ रहा होगा बच्चों दो तरह का फॉर्मेट है एक दो कौड़ी का फॉर्मेट है जो कभी इस्तेमाल नहीं होने वाला बकवास हो चुका है इट इज अस टी फॉर्मैट फर्स्ट कॉलम इज डेट सेकेंड कॉलम इज इन वॉइस नंबर थर्ड कॉलम इज वाउचर नंबर वॉइस नहीं अच्छा ये इन वॉइस और ये वॉइस इट इज वाउचर नंबर नेम ऑफ देंगे सर ये क्यों लिखा है अकाउंट टू बी क्रेडेड जब उधार में गुड्स खरीदते हैं नाचेस टू एक्स परचेस में क्या करते हैं उन्ही लोगों का नाम यहाँ पे आएगा लेजर फोलियो इससे कोई मतलब है नहीं डिटेल एंड अमाउंट जीएसटी जब से सिलेबस में आ गया बच्चों ये फॉर्मेट एकदम बकवास हो चुका है तो ये लिखा होता है बुक्स में तो मैंने नोट में डाल दिया एल्स इसकी कोई जरूरत नहीं है बाई चांस कभी क्वेश्चन मिल जाए बिना जीएसटी वाला तो आप इस फॉर्मेट को काम में ले सकते हैं ये जो इनवॉइस नंबर और वाउचर नंबर के कॉलम है कुछ बच्चे उसको यहां ड्रॉ कर देते हैं वो सब कोई फर्क नहीं पड़ेगा डेट कॉलम सबसे पहले होना चाहिए बीच में ये आना चाहिए और लास्ट के दो ये होनी चाहिए बाकी इनकी पोजिशनिंग कुछ भी करिए हार्डली मेक्स एनी डिफरेंस गांधी जी की आत्मा मत ले आइएगा कि सबको बराबर बना दे ओके ये है जीएसटी फॉर्मेट ये थोड़ा लग रहा है इसकी औकात लग रही है सर डेट कॉलम इज देर इन वॉइस नंबर इज देर वाउचर नंबर इज देर यहां तक तो सेम है डिटेल तक इनफैक्ट सेम है क्या फर्क है चिल्ड्रन उसके बाद कॉस्ट जहां पे लिखा है इन प्लेस यू कैन राइट परचेज सर ये क्यों लिखवा रहे हैं आप कुछ बुक्स में ऑथर्स कॉस्ट लिखते हैं और कुछ बुक्स में परचेज दोनों सही है कोई फर्क नहीं पड़ता इनपुट आई जी एस टी इनपुट सी जी एस टी इनपुट एस जी एस टी एंड टोटल अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा दिस इज दीक्वेंस दैट आई है आपके स्कूल में आपको बोला जाए इन वॉयस नंबर यहां पर बनाओ वाउचर नंबर यहां पर हो सकता है टोटल का कॉलम यहां पे बोल दिया जाए जीएसटी बाद में बोल दिया जाए हो सकता है डिटेल के बाद कॉलम टोटल का है आई रिपीट यहां पे डिटेल और उसके बाद टोटल देयर आफ्टर कॉस्ट इनपुट सी जी एस टी इनपुट एस जीएसटी एंड इनपुट सी जी एस टी तो कॉलम्स को आगे पीछे आप अपने स्कूल के हिसाब से कर सकते हैं उस पर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई एग्जैक्ट फॉर्मेट प्रिस्क्राइब नहीं किया सबसे पहला कॉलम हमेशा डेट का रहेगा ही रहेगा वाउचर नंबर फर्जी कॉलम होता है स्टूडेंट की लाइफ में कभी ये काम आता नहीं क्वेश्चन में अगर लिख के आएगा इन वॉयस नंबर दो सौ पैंसठ चार सौ पचहत्तर तो लिखिएगा वरना ये कॉलम भी एकदम बकवास है तो काम किस किस कॉलम का आपको बच्चों डेट नेम ऑफ द क्रेटर डिटेल दिस 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 एंड समझ में आ गया समझ में आ गया ड्रॉ कैसे करेंगे सर पेज को सेंटर फोल्ड करेंगे आप हमेशा बच्चों एंड दिस मच स्पेस विल बी ऑक्यूपाइड इन द लेफ्ट हाफ ऑफ द पेज कौन सा हाफ लेफ्ट हाफ एंड दिस मच स्पेस इन द राइट हाफ इज दैट क्लियर एकदम आसान क्वेश्चन होता है एकदम दो कौड़ी का क्वेश्चन मतलब समझिए ट्रायल बैलेंस अगर आपको डिफिकल्ट लगा हो तो ये और डिफिकल्ट लगेगा आपको ये ट्रायल बैलेंस से भी आसान है सिर्फ दो बातें दिमाग में रखेंगे जीवन में क्वेश्चन गलत नहीं होगा और अगर भूल गए तो जीवन में क्वेश्चन सही नहीं होगा किस तरह के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे क्रेडिट पे होने चाहिए एंड रिलेटेड टू वॉट गुड्स क्रेडिट और गुड्स ये याद रखिए वॉट क्रेडिट एंड गुड्स खोपड़े में बात गई yes. तो अगर आप जीवन में बहुत अच्छा कुछ बन जाते हैं तो हो सकता है आपको स्कूल वाले चीफ गेस्ट बना ले बनना चाहेंगे चीफ गेस्ट तो बस चीफ गेस्ट याद रखिए क्रेडिट पे होना चाहिए और गुड्स होना चाहिए चीफ गेस्ट याद रखिए तो एग्जाम में नकल करने का तरीका है क्या रिकॉर्ड करना है चीफ गेस्ट समझ गए क्रेडिट पे होना चाहिए और गुड से रिलेटेड होना चाहिए रेडी एवरीबडी खर्चे पानी का क्या करना है जब भी आप भाड़ा पे करेंगे आप जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे चिल्ड्रेन फ्रेट और कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश इट अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन नो इसका परचेज बुक से कोई भी लेना देना नहीं है आप टेक्निकली आई रिपीट आप टेक्निकली कैश से रिलेटेड है तो कहा जाएगा कैश बट हमारे हिंदुस्तान में काफी गवार लोग हैं जो किताब लिखते हैं उन्होंने कहा ऐसा क्यों किया क्योंकि ये वाला चैप्टर कैश 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 बुक 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 के पहले बुक के पहले पहले पढ़ाया जाता है तो तो तब तक बच्चा बुक तो जानता नहीं है तो गवार ऑथर कहता है जर्नल प्रॉपर में लिख दो रियालिटी में ये गलत है ग्यारहवीं में आपको नंबर मिल जाएगा अगर पूछा जाए फ्रेट पेड ऑन परचेज ऑफ गुड्स रिकॉर्डेड वेयर ऑप्शन ए जर्नल प्रॉपर ऑप्शन बी कैश बुक ऑप्शन सी परचेज बुक ऑप्शन डी नन ऑफ दीज आप जर्नल प्रॉपर पे टिक करेंगे तो 11th का टीचर मार्क्स देगा सीयूटी में 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 और सीए फाउंडेशन काट लेगा कैश बुक पे टिक करेंगे तो टीचर मार्क्स देगा अगर पढ़ा लिखा होगा मेरी तरफ तो और आगे भी हमेशा आपको मार्क्स मिलेंगे तो टेक्निकली इट शुड अपियर वे कैश बुक बट क्योंकि ये चैप्टर पढ़ाया बाद में जाता है तो बेवकूफ ऑथर्स ने क्या किया इस एंट्री को कहा लिख दिया जर्नल मेरी बात पे विश्वास न किताब खोल के देख लीजिएगा आपको यह भ्रम दूर हो जाएगा और अगर आपका नहीं सर हमारी बुक में तो यही लिखा है तो मतलब ऑथर ने अपनी गलती मेरे वीडियो को देख के सही कर ली होगी लॉजिक अंडरस्टूड वेल चलिए तो झटपट आ जाइए बच्चों इस पेज पे फास्ट क्वेश्चन नंबर आपको नजर आएगा सर टू कहां से आगे वन तो था ही नहीं अरे जनरल प्रॉपर का एक क्वेश्चन किया था लास्ट लेक्चर में वो वन था तो ये टू हो गया फॉलोइंग आर द ट्रांजेक्शन फॉर राम जुलाई टू क्या प्रिपेयर करना है बच्चों पहले सिर्फ परचेज बुक बाकी देखेंगे क्या करना है ध्यान से सुनिएगा हाउ मेनी ट्रांजेक्शन आर देर जुलाई फाइव जुलाई सिक्स जुलाई टेन एंड जुलाई ट्वेंटी चीफ गेस्ट को याद करना है किसको याद करना है चीफ गेस्ट नहीं चीफ गेस्ट क्रेडिट पे होना चाहिए ट्रांजेक्शन और गुड्स का होना चाहिए क्रेडिट पे कनन एंड कंपनी से आयरन बॉक्स और ब्रेंडर खरीदा ये ट्रांजेक्शन बच्चों गुड्स से रिलेटेड है पहले तो आप ये बता दीजिए yes. वेरी गुड तो yes. गैस yes. तो है कैश पे हुआ कि क्रेडिट पे हुआ क्रेडिट पे Trade. कैसे पता आपको सर अंधे क्या नजर नहीं आ रहा क्या आपको नाम लिखा है दैट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी क्रेडिट शब्द तो सेकेंडरी हो जाता है तो ये रिकॉर्ड होगा बच्चों या नहीं होगा टिक्का मार लीजिए नहीं तो पनीर टिक्का बेचेंगे चौराहे पे जुलाई सिक्स पच्चीस फैन खरीदे गुड्स से रिलेटेड है बच्चों रिलेटेड है, है, है।, है कैश में खरीदा है ये सर कैश गेस्ट हो गया हमें चीफ गेस्ट चाहिए रिकॉर्ड होगा यहां नहीं होगा कहां पे होगा कैश, कैश बुक में हिंदुस्तान में कुछ महामहिम टीचर्स ऐसे भी हैं जो बोलते हैं कि अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको बताना पड़ेगा कि ये ट्रांजैक्शन कहाँ जाएगा और कुछ बेवकूफ कहते हैं इसकी जर्नल प्रॉपर में एंट्री करो परचेज टू कैश ये दोनों ही जाहिलियत की बातें हैं बट ऐसा ऑथर्स ने किया हुआ है क्योंकि बच्चे ये ना सोचें कि ये यहां नहीं रिकॉर्ड होगा तो कहीं भी नहीं होगा ये परचेज बुक में नहीं होगा बट कहाँ होगा कैश बुक में इज क्लियर चलिए परचेज फ्रॉम बलन एंड सन्स ग्राइंडर एंड मिक्सी सर बर्तन की दुकान है क्या हां पढ़ लीजिए तो आप भी बर्तन बेचेंगे तो ये गुड्स हैं कि नहीं है? है उधार में खरीदा या नगद खरीदा कैसे पता सर नाम भी लिखा हुआ है

आप शॉपिंग मॉल की अकाउंटिंग नहीं कर रहे हैं समझ समझना क्या राम की दुकान है छोटी सी तो बच्चों कंप्यूटर क्या गुड्स होगा अच्छा अगर गुड्स है भी एक खरीदेगा खरीदेगा अरे दस पीस खरी तो इस कंप्यूटर गुड्स नो क्या है कंप्यूटर फेर आप समझ में आ रहे हैं बेसिक टर्म्स आप समझ रहे समझना स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी है तो जो स्टार्टिंग में बदमाशी किया जिंदगी उसके साथ बदमाशी करेगी और आपने उधार में खरीदा सर क्रेडिट तो हो गया है बट ये गुड्स नहीं है क्या है ये आसेट है तो हमें सीए नहीं बनना हमें क्या बनना है सीए बनने के बाद चीफ गेस्ट बनना है तो कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे परचेज बुक में फिफ्थ जुलाई एंड जुलाई, तैयार सब लोग चलिए फॉर्मेट आपके सामने बच्चों लेट्स स्टार्ट डेट है 2020 और तारीख है जुलाई फाइव किससे खरीदा बच्चों एंड कंपनी से चलिए एंड कंपनी क्या खरीदा बच्चों हमने कितने आयरन बॉक्सेस खरीदे फिफ्टी आयरन बॉक्सेस एट द रेट ऑफ व्हाट फाइव हंड्रेड तो ये हो गया पच्चीस और क्या खरीदा कुछ भी नहीं खरीदा टेन ग्राइंडर्स एट द रेट ऑफ थ्री थाउजेंड व्हाट इज टेन इंटू थ्री थाउजेंडी थाउजेंड एक बार कंफर्म कर ले विश्वास थोड़ा कम है चलिए ट्रेड डिस्काउंट भी है कैरेज भी है और टैक्स भी है आई रिपीट ट्रेड डिस्काउंट भी है कैरेज भी और टैक्स भी है तो पहले आप ट्रेड डिस्काउंट को अकाउंट फॉर करेंगे और उसके बाद टैक्स जोड़ेंगे कहीं पहले टैक्स जोड़ के डिस्काउंट दे दिए तो फिर जेल जाने को तैयार रहिए सरकार कह अच्छा हमारे पैसे में डिस्काउंट दे दिए तुम कैरेज से मतलब hai, कोई मतलब है बच्चों कैरेज से कोई मतलब है यहां कोई मतलब नहीं अब आप लाइन ड्रॉ करेंगे और टोटल लिखेंगे पचपन हजार सामने टोटल लिखने की जरूरत नहीं है कितने परसेंट का ट्रेड डिस्काउंट है चलन तीस परसेंट है चलिए मेरे को लग रहा है डुप्लीकेट सामान बेच रहा है तभी इतना डिस्काउंट दे रहा है थर्टी परसेंट ट्रेड डिस्काउंट सोलह हजार पांच सौ आएगा पचपन का थर्टी फिर से लाइन ड्रॉ करें पचपन में सोलह गए कितना बचा भाई फिफ्टी फाइव माइनस सिक्सटीन फाइव हंड्रेड हाउ मच इज लेफ्ट थर्टी एट फाइव हंड्रेड इसमें आप एड करेंगे सी जी एस टी कितने परसेंट है देख के बताइए क्वेश्चन में सिक्स परसेंट एंड एस जी एस टी हाउ मच सिक्स परसेंट थर्टी एट फाइव हंड्रेड का छह प्रतिशत होता है तेईस सौ दस तेईस सौ दस सिंगल लाइन खींचेगी बच्चों फोर्टी थ्री थाउजेंड वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी डिफिकल्ट था इसको चलिए समझ में आ गई बात अब क्या करना है सर बस खत्म कहानी ना 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 अब तो मेन खेल चालू होगा व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स थर्टी एट फाइव हंड्रेड कॉस्ट के कॉलम में लिखना है जीएसटी जीएसटी कितना खेल रहे थे हम लोग एंड टोटल इज 43, आप समझ में 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 हैं मैंने क्यों ये कॉलम्स बाद बनाए कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपके स्कूल बोला इसको पहले बनाओ बाकी हैं और ग्यारह कॉलम बनाएंगे यहाँ कॉस्ट की जगह पर्चेस पर्चेस या परचेजेस लाइन बच्चों ध्यान से सुनिएगा कहां पे खींचेगी पहली बार ट्रेड डिस्काउंट के अमाउंट के ऊपर के ऊपर और दूसरी बार उसके नीचे तीसरी बार जीएसटी के नीचे चौथी बार टोटल के नीचे कुल चार लाइन खींचनी है बस नंदस दूसरा ट्रांजैक्शन किस डेट को आ रहा है बच्चों जुलाई टेंथ किससे खरीदा सामान बलन एंड सन्स आई हैव एम्पल ऑफ स्पेस तो मैं तो यहीं पे लिख सकता हूँ यू कैन प्रोसीड टू द नेक्स्ट पेज क्या क्या खरीदा बच्चों बताइए फ्रैंक 20. कितने ग्राइंडर ट्वेंटी ग्राइंडर एट द रेट ऑफ ट्वेंटी फाइव हंड्रेड पच्चीस सौ इंटू दस पच्चीस बच्चों मिक्सी एट द रेट ऑफ मिक्सी जरूर लिख दीजिएगा डॉट 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 मत लगाइएगा नहीं तो एग्जामिनर आपको नंबर भी डॉट 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 वाले देगा कुछ रेट डिस्काउंट है बच्चों yes, कितना टेन परसेंट ट्रेड डिस्काउंट आठ हजार आएगा आठ हजार आएगा एनी जीएसटी वॉट ट्वेल्व परसेंट आई जीएसटी तो बहत्तर हजार का बारह प्रतिशत एट सिक्स फोर जीरो बचो और ये आ जाएगा अस्सी हजार छह सौ चालीस कॉस्ट थी सेवेंटी टू थाउजेंड आई जी एस टी एट सिक्स फोर जीरो और तो याद रखिएगा तो मेरे ओपिनियन में अगर परचेज बुक पूछी गई है तो जो परचेस बुक में जाएंगे वेल एंड गुड जो नहीं जाएंगे अपने स्कूल में पूछिएगा टीचर उनके लिए क्या करना है आपके टीचर्स 90 परसेंट केसेस में बोलेंगे कि बेटा कैश ट्रांजैक्शन तो कहां जाएगा कैश बुक में और असेट क्रेडिट में खरीदी तो कहां जाएगा जर्नल प्रॉपर में और कुछ केस में बोलेंगे, एक नोट अपेंड कर देना क्वेश्चन में ट्रांजेक्शन कुछ इतने बड़े झक्की होते हैं कहते हैं दो लाइन की कैश बुक बनाना दो लाइन का जर्नल का फॉर्मेट बनाना फिर आप उनके ब्लेड लेके जाइएगा तो गया तो ये रियल बिजनेस है ये रियल बिजनेस है तो उधार में गुड्स खरीदे तो परचेज बुक कैश का ट्रांजैक्शन है तो कैश बुक जिसका कोई नहीं होता उसका जर्नल प्रॉपर बट आप स्टूडेंट हैं आपको एक छोटा सा चार छा जाएगा एस सी एस सी बी एस में तो जो पूछा गया है है सिर्फ वही बनाना बाकी चौधरी बनने की जरूरत नहीं समझ गए क्योंकि आप घर जाके जब बुक में एग्जाम्पल देखेंगे तो आप मेरे से क्वेश्चन पूछेंगे सर लिखा तो था परचेज बुक पता नहीं ये बेवकूफों ने अलग से क्या लिख दिया साथ में ये बताने के लिए कि ये ना समझा जाए कि ये कहीं भी रिकॉर्ड नहीं होगा कहाँ रिकॉर्ड होगा कैश बुक में तो वो डाउट क्लैरिफिकेशन के लिए बस है समझ गया जर्नल बनाने के बाद एक पेज का टोटल अगले पेज में जाता था बच्चों लेजर बनाने के बाद भी हम बैलेंस करते थे बुक में किस तरह की रिकॉर्ड करनी है ये सबको पता है कौन सी परचेज रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट कैश परचेज कहां रिकॉर्ड होगी बच्चों कैश बुक और अगर आपको टोटल परचेज चाहिए ट्रायल बैलेंस के अंदर तो ये वाली भी तो कहीं ना कहीं लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे So, अगला कॉन्सेप्ट है वॉट इज नोन एज चिल्ड्रन बैलेंसिंग ऑफ परचेज बुक क्या है कॉन्सेप्ट बैलेंसिंग ऑफ परचेज बुक सर कैसे बैलेंस करेंगे एकदम आसान कॉन्सेप्ट बच्चों एकदम आसान इतना आसान कि आसान भी इतना आसान नहीं है तैयार है सब लोग समझने के लिए चलिए कैसे बैलेंस करेंगे बी सुपर अटेंटिव बहुत आसान है आई वॉन्ट एवरीबडी टू प्रिपेयर सर्टन ledger accounts I repeat रिपीट I want everybody to prepare certain ledger accounts sir how many ledger accounts हम सात सात हैं नहीं sir हम सात आठ भी हैं sir जरूरत पड़ने पर और लोगों को ले आएंगे sir आप बताइए काम क्या है किसको सूतना है अरे नहीं भाई हमेशा लड़ाई झगड़ा नहीं करना परचेज बुक के अंदर कितने लोगों का नाम आया बच्चों तो, तो इन दोनों का अकाउंट तो आप बनाएंगे ही बनाएंगे कितने प्रकार का जीएसटी आपको नजर आया यहाँ पे तीन तो तीन ये बनेंगे तीन और दो पांच अरे वर। अरे अभी आधा दर्जन पूरा करेंगे और परचेस का एक अकाउंट बनेगा टोटल कितने अकाउंट चाहिए छ मेनी अकाउंट छ लेजर अकाउंट छटपट बना लीजिए सर कितने बड़े बड़े बनाए अरे कोई कुंभकर्ण को थोड़ा सुलाना है छह लेजर अकाउंट आप बनाएंगे एक्सटेंडिंग अप टू आई रिपीट चलन एक्सटेंडिंग अप टू

और इसके अंदर कुछ भी लिखने के लिए हमें क्या चाहिए जर्नल एंट्री तो, तो, तो जर्नल छोड़ गया बुक में फिर जर्नल में चले भाई ऑब्वियस सी बात है लेजर में अगर कुछ भी लिखना है तो जर्नल तो चाहिए चाहिए तो सर इससे अच्छा जर्नल एंट्री बनाए और सीधे जर्नल एंट्री से क्या बना लें लेजर ये जो परचेज बुक की नोटंकी थी ये क्यों करी हमने ये अभी आपको समझ में आएगा तो आपको सबसे पहले जब क्वेश्चन आएगा एक बनाना पड़ेगा सब्सिडरी बुक चिल्ड्रन क्या बनाना पड़ेगा सब्सिडरी बुक और सब्सिडरी बुक के बाद आपको बनाना पड़ेगा एक छोटा सा जर्नल प्रॉपर जिसमें आप एक कनेक्टिंग एंट्री लिखेंगे कौन सी एंट्री कनेक्टिंग क्या होती है सर वो कनेक्टिंग एंट्री द एंट्री जिसकी बदौलत दिस ट्रांजैक्शन सॉरी टू सेट ऑफ ट्रांजैक्शंस जो परचेज बुक में थे वो इन लेजर्स में चले जाएंगे तैयार सब लोग सिंपल जर्नल एंट्री बताइए गुड्स बॉट फॉर कैश क्या होती है बच्चों परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश बट अगर आपने कनन एंड कंपनी से सामान खरीदा तो आपकी एंट्री क्या होगी बच्चों परचेज अकाउंट डेबिट टू कनन कंपनी और बलन एंड सन से खरीदा तो एंट्री क्या होगी चलन उंट डेबिट टू बलन एंड सन एनी डाउट मेनी डाउट ऑन दिस और बीच में नालायक जीएसटी भी चला आया है तो क्या आएगा भाई इनपुट सी जीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी एक और जीएसटी यहां परेशान कर रहा है इट इज आई जीएसटी अब सर वैल्यूज कैसे लिखेंगे बड़ा आसान है बच्चों बड़ा आसान है परचेज का टोटल कॉस्ट वाले कॉलम से आपको मिल जाएगा परचेज का टोटल कहां से मिलेगा कॉस्ट वाले कॉलम से जो परचेज बुक आपने बनाई थी बताइए कौन सी दो वैल्यूज हमने लिखी थी थर्टी एट फाइव हंड्रेड एंड जीरो सी लिख एस सीजीएसटी का टोटल टू थ्री वन जीरो था एफाइव नोट डाउन चलन सीजीएसटी का टोटल टू थ्री वन जीरो था नॉट डाउन एस जी एस टी टोटल भी टू थ्री वन जीरो और आई जी एस टी का क्या था बच्चों एट सिक्स फोर जीरो इज दैट क्लियर फोर्टी थ्री वन ट्वेंटी वॉज द टोटल फॉर कनन एंड कंपनी करेक्ट करेक्ट चल एंड दूसरे वाले का टोटल कितना था भाई साहब का एट जीरो सिक्स फोर जीरो अब ध्यान से सुनिएगा एंट्री में सारा डेटा तो आ गया न्यूमेरिकली बट किससे क्या खरीदा क्या ये चीज आपको जर्नल में नजर आ रही है कम्स द इंपॉर्टेंस ऑफ सब्सिडरी बुक द क्लासिफिकेशन ऑफ आइटम्स बॉट विल ओनली बी विजिबल फ्रॉम जर्नल प्रॉपर और फ्रॉम सब्सिडरी बुक चिल्ड्रन सब्सिडरी बुक इसलिए हमने सब्सिडरी बुक को बनाया था लॉजिक अंडरस्टूड वेल लॉजिक अंडरस्टूड वेल चिल्ड्रन सबको समझ में आ गया सबको समझ में आ गया चलिए तो देखने में आपको थोड़ा सा कष्ट हो तो मैं इसको वाइट कर देता हूं चलिए वेरी डिफिकल्ट चल वेरी डिफिकल्ट समझ में आ गया और जब तक आप ये जर्नल एंट्री पास नहीं करेंगे इन ट्रांजेक्शन को सब्सिडरी बुक से इन लेजर्स में लिखना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है तो बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट याद रखिए परचेज बुक के सारे कॉलम्स का टोटल होगा नंबर वन उसके बाद क्या पास करना है आपको कनेक्टिंग एंट्री नंबर टू उसके बाद क्या करेंगे लेजर और लेजर में पोस्टिंग सबको आती है बताने की जरूरत नहीं है बट सर यहां पे तो मल्टीपल डेबिट्स और क्रेडिट्स हैं टेंशन नॉट मैं हूं ना कनेक्टिंग एंट्री सबको समझ में आई कि नहीं आई है. समझ में आ गया चलिए लेट्स स्टार्ट चिल्ड्रन लेट्स स्टार्ट जर्नल एंट्री आपको नजर आ रही है परचेज अकाउंट डेबिट आप यहां पे लिखेंगे टू कनन एंड कंपनी टू बलन एंड सन्स बच्चों ये एक तरीका है लिखने का कुछ टीचर्स बोलते हैं डोंट ट्राई टू कनन एंड कंपनी टू बलन एंड सन्स आप सीधे लिखिए टू सी क्रेडिटर्स एक सिंगल वैल्यू आई रिपीट टू सन्ड्री क्रेडिटर्स एक सिंगल वैल्यू एक लाख दस हजार पांच सौ की एंड सम टीचर्स सजेस्ट अलग अलग लोगों का नाम लिखो कितने के गुड्स खरीदे हमने थर्टी एट फाइव हंड्रेड एंड सेवेंटी टू थाउजेंड एनी वेरी स्ट्रॉम एनी बदी कनन एंड कंपनी में आप लिखेंगे वॉट चिल्ड्रन बाय परचेज बाय इनपुट सी जी एस टी बाय इनपुट एस जी एस टी इट इज थर्टी एट फाइव हंड्रेड टू थ्री वन जीरो एंड टू थ्री वन जीरो बलन में लिखेंगे आप बाय परचेजेस सेवेंटी टू फाइव हंड्रेड बाय इनपुट आई जी एस टी इट इज एट सिक्स फोर जीरो बिना सब्सिडरी बुक के पोस्टिंग्स करवाएंगे आप क्योंकि सारा डेटा वहीं से एक्सट्रैक्ट हो रहा है इनपुट आई जीएसटी में आप लिखेंगे टू बलन एंड सन्स एट सिक्स फोर जीरो इनपुट सी जी एस टी में लिखेंगे टू कनन एंड कंपनी टू थ्री वन जीरो और यहां पे भी लिखेंगे टू कनन एंड कंपनी टू थ्री वन जीरो बच्चों क्या मैं आपको बैलेंसिंग भी सिखाऊं बैलेंसिंग तो कर लेंगे बाय बैलेंस डाउन यहां पे टू बैलेंस कैरेट डाउन यहां पे टू बैलेंस कैरेट डाउन बाय बैलेंस कैरेट डाउन बाय बाय बैलेंस कैरेट डाउन बैलेंस कैरेट डाउन फिर परचेज अकाउंट में टोटल होगा टोटल के नीचे ब्रॉड डाउन डेबिट में यहाँ क्रेडिट में पलन में भी क्रेडिट में इनपुट आई जी एस टी सी जी एस टी एस जी एस टी सब में ब्रॉड डाउन डेबिट में आएगा आप बच्चे कहेंगे सर ट्रायल बैलेंस बना ले बना सकते हैं बट वो टैली नहीं करेगा क्योंकि कंप्लीट डुअल एस्पेक्ट हुआ नहीं है हमारा मतलब आप बनाएंगे इस क्वेश्चन के लिए वो टैली कर जाएगा आई रिपीट चलो नो टैली कर जाएगा बट और सारे ट्रांजेक्शन नहीं है

को यहां पे आप लाइन ड्रॉ करेंगे और लिखेंगे वन वन जीरो फाइव डबल जीरो हेयर द टोटल इज एट सिक्स फोर जीरो हेयर इट इज़ टू थ्री वन जीरो टू थ्री वन जीरो और ये टोटल कर लीजिए कितना आ जाएगा भाई सात सौ साठ तीन एक लाख बारह हजार सात सौ साठ रुपये सॉरी एक लाख तेरह हजार नीचे डबल लाइन ड्रॉ करेंगे यहां पे पहले तो हम लिखा करते थे परचेज अकाउंट वेर आईव वे रिटर्न टोटल पहले लिखा करते थे परचेज अकाउंट डेबिट क्योंकि वहां पे जीएसटी फीएसटी कुछ होता नहीं था सिर्फ ये वैल्यू हुआ करती थी अब सब आ गया है तो अब यहाँ पे सिर्फ आप टोटल लिख देते हैं बस लॉजिक अंडरस्टूड वेल लॉजिक अंडरस्टूड वेल चलिए बीक आप लोगों को बुकलेट में क्वेश्चन नंबर थ्री नजर आ रहा है बच्चों। होमवर्क इसकी आप परचेज बुक बनाएंगे फॉलोड बाय so मैंने जर्नल आपके लिए बनाया हुआ एग्जाम्पल में परचेज अकाउंट इनपुट आई जीएसटी बेल्टेक बजाज मॉडर्न फर्नीचर आप इन सब में पोस्टिंग करेंगे इतना काम कर लेंगे इतना काम कर लेंगे पक्का चलिए आ जाइए होमवर्क शीट पे बच्चों परचेज बुक के कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क में सिर्फ परचेज बुक बनाना है बाकी कुछ नहीं बनाना आई रिपीट ये लेजर्स वगैरह आपको नहीं बनाने पहले आप सिर्फ परचेज बुक बनाएंगे क्वेश्चन नंबर वन डीकेजी वाले सेट में मिलेगा ढूंढिए मिल गया क्वेश्चन नंबर वन है बच्चों देन क्वेश्चन नंबर टू करेंगे आप वन एंड टू माफ कर लिया फिर उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर वन एंड टू के बाद आपको मिलेंगे कुछ डिशनल क्वेश्चन शायद यहां पे नहीं है लगता है चलिए बात मिल जाएंगे नॉट नॉटरी टीएससी वाले सेट में क्वेश्चन नंबर वन आपको मिलेगा मिला क्वेश्चन नंबर वन मिला यहां पे बच्चों जीएसटी मान लीजिएगा ट्वेल्व परसेंट कितना ट्वेल्व परसेंट लिख दीजिए आपसे जीएसटी ट्वेल्व परसेंट हर ट्रांजैक्शन में होगा इट विल बी इन ऑल द ट्रांजैक्शंस ठीक है समझ में आ गया सी जी एस टी एस जीएसटी मानिएगा सी जी एस टी एस जीएसटी नो आई जीएसटी क्वेश्चन नंबर टू में भी वही सेम जीएसटी बारह परसेंट थ्री में भी फोर में आपको वैट लिखा हुआ मिलेगा एक जगह तो नाउ देर इज नो वैट वैट इज सब्सिट्यूटेड विद जीएसटी ठीक क्वेश्चन नंबर फोर तक करेंगे बस हो जाएगा इतना चलिए दट सोल्विंग